प्रिंटर की अगली कैटेगरी है 3D प्रिंटर। 3D हेयर स्टैंड्स फॉर थ्री डायमेंशनल प्रिंटर। आमतौर पे जो हम यूजुअली प्रिंटर इस्तेमाल में लेते हैं वो पेज पर प्रिंट देता है, जिसे हम आमतौर पे हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ प्रिंटर्स ऐसे भी हैं जो खिलौने के आकार की तरह आप समझ लें। 3D प्रिंटिंग का मतलब यूं समझ लीजिए कि जो आकार को, शेप्स को काट करके प्रिंट करने में कैपेबल हो। जिस तरह मार्केट में हम कई तरह के खिलौने देखते हैं, तो उस तरह के खिलौनों के आकार में कटिंग करना, या खिलौनों के अलावा कई तरह के शेप्स को काटना, जैसे बॉल हुआ या स्क्वायर बॉक्सेस हुए, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हुए, क्यूब्स हुए। कुल मिला के अभी तक जो यूजुअली हम लोग प्रिंटर के बारे में जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि प्रिंटर के थ्रू हम पेपर में प्रिंटिंग कर सकते हैं। लेकिन 3D प्रिंटर के थ्रू पेपर पर प्रिंट करने के बजाय शेप्स के आकारों को काट करके प्रिंट किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा अलग अलग मटेरियल के 3D मॉडल होते हैं, जो टेबल वगैरह पे या शोपीस के तौर पे रखे रहते हैं। तो उस तरह के मॉडल्स को डिजाइन करके कटिंग करने तक का काम इस तरह के 3D प्रिंटर करते हैं। कई बार मनुष्य के शरीर में आर्टिफिशियल पार्ट्स लगाए जाते हैं, जैसे कई बार किसी व्यक्ति को हाथ लगाया जाता है आर्टिफिशियल, या आर्टिफिशियल पांव लगाए जाते हैं, या आर्टिफिशियल अलग अलग तरह के जो भी पार्ट्स लगाए जाते हैं, तो उन पार्ट्स को कटिंग करते हुए क्रिएट करना, ये सारा काम 3D प्रिंटर के थ्रू होता है। 3D प्रिंटर अभी डेवलपिंग मोड में है। डेवलपिंग मोड का मतलब इसका इस्तेमाल हो रहा है और इसकी टेक्नोलॉजी पर अभी और बहुत सारा काम किया जा रहा है। डेवलपिंग मोड पे होने के कारण इसमें भी बहुत चीजें हैं जो गतिशील हैं, डेवलपमेंट के मोड में चल रही हैं, और धीरे धीरे, लेकिन इसकी धीरे धीरे इसका एग्जीक्यूशन कैपेसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ जैसे कि लिखा है, ऑटो उद्योग से जुड़ी बड़ी कंपनियां नई कारें बनाने से पहले 3D प्रिंटर की मदद से देखती हैं कि गाड़ी देखेंगी कैसी। मतलब जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मॉडल्स जो कई तरह के खिलौने टाइप के रहते हैं, इस तरह के खिलौने या मॉडल्स को, उन मॉडल्स की फिजिकल कटिंग करके प्रेजेंटेशन करना, प्रेजेंटेशन देना, ये इस तरह के 3D प्रिंटर का काम है। तो ये चीज यहाँ बताई गई है कि ऑटो कंपनीज जो कार को डिजाइन करती हैं, तो वाकई में अगर वो फिजिकल मॉडल उसका देखना चाहें कि वाकई में कार फिजिकली हमें कैसी दिखेगी, भौतिक रूप से हमें कैसी दिखाई देगी, तो 3D प्रिंटर के थ्रू वो उसके मॉडल की कटिंग करती है। आमतौर पर क्या होता है कि ये प्रिंटर प्लास्टिक यानी कि फाइबर के मॉडल्स क्रिएट करते हैं। इसे एक सॉलिड आइटम दे दिया जाता है और डिजाइन सिस्टम के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है किसी डिजाइन का, तो उस डिजाइन को वो दिए हुए पार्ट के हिसाब से कटिंग कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कई मार्केट में कई स्टिकर्स बनाने वाली मशीन होती है। स्टिकर्स में क्या होता है, एक वाइट पेज उसको दे दिया जाता है और जो डिजाइन हम इंस्ट्रक्ट करते हैं उसके हिसाब से वो उस पेज पे कटिंग करना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही इसको सॉलिड मटेरियल दे दिया जाता है, प्लास्टिक का, जो कि यूजुअली फाइबर या प्लास्टिक का होता है, और डिजाइन का इंस्ट्रक्शन इसे कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है, इसको मतलब 3D प्रिंटर को। तो ये 3D प्रिंटर उस दिए हुए सॉलिड ऑब्जेक्ट को डिजाइन के हिसाब से कटिंग करके प्रेजेंट कर सकता है। ये ऊपर इस तरह की मशीन को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसी मशीन में सॉलिड आइटम फीडअप किया जाता है और ऊपर जो ये नोडल मशीन है ये पुटअप होके नीचे आती है और उस पर कटिंग करने का काम करती है। नट बोल्ट, खिलौने, छोटे मोटे पाइप और विज्ञान के जटिल नमूने, मतलब मॉडल्स 5 से 45 मिनट के अंदर घर पर ही बनाए जा सकेंगे, ऐसा 3D प्रिंटर्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसा मैंने बताया कि ये अभी डेवलपिंग मोड में है, धीरे धीरे ये और अच्छे तरीके से डेवलप होता जा रहा है। वही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि कंपनियों को उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में प्रिंटर से जुड़ने वाली बाकी मशीनें बेहतर भी हो जाएंगी और काफी सस्ती भी। इस तरह 3D प्रिंटर का मार्केट भी फैलेगा और आम लोगों के लिए सस्ते 3D कैमरे भी बनने लगेंगे। अभी यूं समझ लीजिए कि जिस तरह हम लोग अपने डेली यूसेजेस के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं, 3D प्रिंटर अभी फिलहाल हमारे डेली यूसेज के हिसाब से तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी, तब 3D प्रिंटर्स के रेट हो सकता है काफी कम हो जाए और हम इस तरह के पार्ट्स को क्रिएट कर सकें।
यहाँ पर ये चीज आप नोट भी कर सकते हैं कि कुछ वैज्ञानिक 3D प्रिंटर को बायो सामग्री का उपयोग करके मानव शरीर के कुछ अंग जैसे कि निचला जबड़ा, मांसपेशियां, कान इत्यादि बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं, जो लगभग असली अंगों जैसे ही लगते हैं। इन बायो पार्ट्स को 3D प्रिंटर के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी के सिचुएशन में 3D प्रिंटर के थ्रू कई तरह के मॉडल्स क्रिएट करना और बायो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में पार्ट्स बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जा रहा है। अगली कैटेगरी का प्रिंटर, जिसे हम प्लॉटर कहते हैं, उसके बारे में समझना होगा। तो यूजुअली हम जो प्रिंटर यूज में लेते हैं वो लिमिटेड साइज के प्रिंट निकालने में ही सक्षम होते हैं, लेकिन कई बार आप देखते हैं कि बड़े बड़े बोर्ड पर बड़े बड़े फ्लेक्स लगे हुए रहते हैं, या बड़े बड़े नक्शों के प्रिंट निकाले जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, या मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड गाड़ियों के पुर्जों के बड़े बड़े डिजाइन के प्रिंट निकाले जाते हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े फ्लेक्स को प्रिंट करना या बड़े बड़े मैप्स को प्रिंट करना, ये हमारे छोटे प्रिंटर की कैपेबिलिटी में नहीं आता है। तो मार्केट में इस तरह के प्रिंटर मशीन्स अवेलेबल हैं, जो कि इस चित्र में दिख रही है। इस तरह की प्रिंटर मशीन्स के थ्रू यूजुअली बड़े बड़े मैप्स यानी कि नक्शे और बड़े बड़े जो फ्लैग्स आप होल्डिंग के बोर्ड पर अलग अलग तरह के फ्लैग्स देखते हैं, वो सारे फ्लैग्स इस मशीन के थ्रू प्रिंट किए जाते हैं। इस तरह के बड़े प्रिंटर को यूजुअली प्रिंटर नहीं कहा जाता है, इस तरह के प्रिंटर को प्लॉटर के नाम से जाना जाता है। प्लॉटर की सहायता से बड़े बड़े साइज के नक्शे, डिजाइन वगैरह चीजों को प्रिंट किया जा सकता है, और जैसे इसमें लिखा है कि इनसे रंगीन परिणाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यूजुअली हम जो फ्लेक्स वगैरह देखते हैं, नक्शे देखते हैं, वो रंगीन ही होते हैं। CMYK जैसा कि अदर कलर प्रिंटर्स इंक चार तरह की इंक का यूज करते हैं, ये प्लॉटर भी इन्हीं चार इंक्स का प्रयोग करते हैं। CMYK यूं समझ लीजिए कि आकार में ये बड़ा है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन वर्किंग मेथड लगभग प्रिंटर वाली ही है। हार्ड कॉपी रिसीव करने के लिए अभी हमने सिर्फ प्रिंटर्स के बारे में समझा, और हार्ड कॉपी रिसीव करने के अलावा भी कंप्यूटर कुछ और भी तरह के आउटपुट देने में कैपेबल होता है, तो यहां पर हमें उसी की बात करनी है। मैंने आपको बताया कि आउटपुट देने की जब बात आती है तो कंप्यूटर सिस्टम जो भी हमें विजुअल चीजें दिखाता है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, जो कि मॉनिटर या फिर हमें प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाई देती है। जब कभी हम हार्ड कॉपी की बात करते हैं तो हार्ड कॉपी हमें प्रिंटर्स या प्लॉटर्स या 3D प्रिंटर्स के थ्रू हमें प्राप्त होती है, और यहाँ पर वॉइस आउटपुट कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट वॉइस के फॉर्म में भी जनरेट करता है। तो जब वॉइस के फॉर्म में जनरेट करता है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ डिवाइसेस की जरूरत होती होगी। ऑब्वियसली हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से आउटपुट जब वॉइस के रूप में रिसीव करते हैं तो यूजुअली हम लोग स्पीकर जैसी डिवाइस का यूज करते हैं। स्पीकर, तो स्पीकर के बारे में कहा जा सकता है कि स्पीकर एक तरह की आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसी के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की वॉइस हमें बाहर प्राप्त होती है। तो स्पीकर यूं कहा जा सकता है कि वॉइस आउटपुट डिवाइस का एक प्रकार है। अब स्पीकर तक आउटपुट पहुंचाने के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस की और जरूरत होती है, जिसे यूजुअली कहा जाता है साउंड कार्ड। पुराने समय में ये साउंड कार्ड इस तरह की चिप के रूप में अवेलेबल होता था, इस तरह की प्लेट के रूप में अवेलेबल होता था, लेकिन अब के समय में ये मदरबोर्ड में इनबिल्ट ही कर दिया गया है। मतलब पुराने समय में यदि ऐसा होता था कि यदि आपको स्पीकर कनेक्ट करना है तो फर्स्टली यू नीड टू एक्वायर दिस साउंड कार्ड। सबसे पहले आपको साउंड कार्ड अपने सिस्टम में लगाना होता था। साउंड कार्ड जब अपने सिस्टम के मदरबोर्ड में, इस तरह की ये जो आप ये ग्रिप देख रहे हैं, इस ग्रिप को मदरबोर्ड पे पुट अप कर दिया जाता था, और ये बाहर हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता था जिसमें हम अपने स्पीकर की पिन लगा देते थे। तो ये कुल मिला के साउंड कार्ड कहलाता था। साउंड कार्ड आज भी है सिस्टम में, लेकिन अभी के समय में, वर्तमान समय में, ये कार्ड के फॉर्म में आना बंद हो गया है और सिस्टम के मदरबोर्ड में ही इनबिल्ट कर दिया गया है। ये चीज यहाँ पर ही बताई गई है। आज के आधुनिक पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, में साउंड कार्ड इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट कहने पहले से ही होता है, एंड करंटली देयर इज नो नीड टू पुट एन एक्स्ट्रा साउंड कार्ड इन विद द मदरबोर्ड। और अभी के समय में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अलग से साउंड कार्ड खरीद के लेके आए और उसे लगाए। फिलहाल क्योंकि थ्योरी में है तो हमें समझना यहाँ पे जरूरी है। यहां यूं समझ लीजिए कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदरूनी वॉइस को बाहर भेजने के लिए जिस डिवाइस का हम यूजुअली प्रयोग करते हैं वो स्पीकर है, लेकिन स्पीकर तक डेटा कौन पहुंचाता है? स्पीकर तक डेटा पहुंचाता है साउंड कार्ड डिवाइस, जो जैसा मैंने बताया कि पहले कार्ड के रूप में अवेलेबल थी और अभी के
अभी भी ये चीज है, लेकिन ये मदरबोर्ड में पहले से ही इनबिल्ट है। इन चित्रों में मैंने आपको बताया ये साउंड कार्ड है, और नीचे इस चित्र में आपको ये दिखाया गया है एक स्पीकर का एग्जांपल।